आप इजाजत दें तो मैं साथ चलूं? नहीं, हुजरे ही में ठहरो कासिम। खानम सुल्तान या बासम को किसी चीज की जरूरत पेश आ सकती है। तुम अभी तक यहीं हो साहिब आली? चलो आओ हमारे दालान में घूमो, ठीक है? दिलेबोज नस्ल से हैं ये, अज़रबैजान की खास नस्ल है ये। घुड़सवार अगर माहिर ना हो तो काबू में नहीं आता। शायद यही वजह होगी कि यूनुस आफंदी गिर पड़े इस पर से। तो क्या ये उनका अपना घोड़ा है? मुमकिन है सवारी के लिए लिया हो किसी से। क्या आपने चागरे की बात नहीं सुनी? सरकश घोड़ा है ये, यूनुस आफंदी का तो हो ही नहीं सकता। इस पर से तो गिरना ही था उन्हें पीर भाई। आप इसे यहाँ क्यों ले आए बाबा जान? सोचा कुछ हमारे साथ भी रह ली है, इसे थोड़ी घास फूस दे देना खाने को। बेटी, यूनुस के पास कोई है? अम्मा जान वहीं बैठी हैं। क्या हाल है इसका? बुखार और प्यास की शिद्दत कम नहीं हो रही। ऐसे ही हुआ करता है, बड़े बड़े दरिया उबूल कर जाता है आदमी, और कभी एक कतरा आपको तरसता है। दरिया उबूर करने वाले न बनो, दरिया में डुबकी लगाने वाले बनो। कासिम कह रहा था कि इसे ले जाकर हुजरे में लिटा दें इसके। जरा होश में तो आ जाए यूनुस अफंदी, फिर आप जैसा मुनासिब समझें। इसे ये क्यों लगता है कि हम इसकी वजह से मुश्किल में हैं? कोई मुश्किल नहीं है अम्मा, जरा सी तीमारदारी तो करनी है।
इसके कदम बहुत तेजी से उठते हैं, इतनी तेजी से कि दूसरे घोड़े इसकी धूल को नहीं पा सकते। दौड़ में कोसों आगे निकल जाता है औरों से। बाहमी मोहब्बत यूं ही कायम रहे पीर भाइयों। जज़ाकअल्लाह से मागा। खैर तो है, दरगाह में जगह कम पड़ गई थी जो तुम सब यहां जमा हो गए। यूनुस अफंदी के घोड़े की बात चल रही थी। क्यों, कोई मसला हो गया घोड़े के साथ? अज़रबैजान का है, दिलेबोज नस्ल का, यही बता रहा था पीर भाइयों को। दरवेश पैदल चलते हैं, खिरका पहने, दस्तार पहने, यही चीजें हैं जो दरवेश होने की अलामत कहलाती हैं। जैसे खिरका और दस्तार एक दरवेश की पहचान हुआ करते हैं, ऐसे ही पैदल चलना भी पहचान है। चक्की के पास अनाज की बोरियां रखी हैं, चलो चलकर ले आते हैं हम लोग। यहाँ घोड़े काफी हो गए, सर्दियों में अनाज की किल्लत ना हो जाए कहीं, वैसे भी इस बार फसल कम हुई है। अरे एक बार सेहतयाब तो हो जाने तो यूनुस अफंदी को पीर भाइयों, वो अपने घोड़े की खुद देखभाल कर लेंगे। अपने फराइज और जिक्र में कोताही ना करें बस हम लोग। बिइज़्निल्लाह। हिश। ये खून ही है ना? यूनुस अफंदी का खून तो नहीं खुदा ना खास्ता? यह अल्लाह आपके हाथ पर भी लगा हुआ है। समझ गया, वासिम अच्छी बात सुनो, ये कपड़ा यहां से हटा दो, ये खून किसी और को ना लग जाए। यहाँ आइए साहिब आली, आइए। सब खैर है शेख साहब? हाँ खैर है। क्या हुआ अम्मा, इसके साथ क्या कर रहे हैं वो? चलो Thank you.
शाबाश, दिखाओ जरा अपनी प्यारी सी शक्ल तो दिखाओ। तुम्हारे जितनी तवील उम्र तो नहीं है हमारी, फिर भी वक्त है हमारे पास, इंतजार कर लेंगे। क्या कर रहे हैं बाबा? बस इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं इंतजार कर रहा हूं। किस बात का? या अल्लाह, हाथ में चाकू लिए बैठे, अल्लाह खैर करे। आ जाओ बच्चे, अंदर चले। एक जरा सी जहमत होगी आपको साहिबे आली, शक्ल दिखा दो बस और हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है मियां, सोच लो, वक्त की कोई कमी नहीं हमारे पास बैठे, कभी ना कभी तो निकालोगे ना चेहरा बाहर, बस हमारा चाकू काम कर जाएगा। शाबाश, थोड़ा जख्म तो लगेगा जनाब, रुको, जहमत ना हो तो रहमत नहीं मिलती। ओहो, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ जी साहिब आली, जा सकते हैं आप, काम हो गया हमारा। जोंक साहिबा, बहुत खून पी लिया आपने हमारे दोस्त का, माजरत, आप जिंदा रहती तो ये मर जाता, ये तो आप जानती होंगी। वो कहते हैं ना, इन भाई की उम्र तवील होती है, तो आपका यही अंजाम होना था। अच्छा नहीं लगा तुम्हें यूं मारना, मगर छोड़ देता तो कोई और निकाल कर तुम्हें मार डालता, ये भी मजबूरी थी। हाँ भाई, यही फितरत है, वैसे आप हैं तो हशरातुल अज़्म से। जितना आपने जी लिया उसे गनीमत ही समझे जोंक साहेबा।
या अल्लाह, मैं धुलवा देती हूं बाबा जान। जज़ाकअल्लाह बेटी, जज़ाकअल्लाह। कोई कोई ही वहां पहुंचकर लौटता है। अल्लाह तेरा शुक्र है। खुशामदीद क्यों न सफंदी, खुशामदीद। चले अभी से, अभी तो आए हो। सेहतियाबी मुबारक हो यूनुस अफंदी, अल्लाह हर दुख और बला से महफूज रखे आपको। आमीन।